मेंटली mentally he is quite normal. normal मतलब किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी को दिखाया है आपने? हम वैसे हमारे प्रोसीजर में है कि हम फिर भी इसका वहां से एग्जाम कराकर और इसको वहां से उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं ठीक है उसको हम लेंगे. ओके को क्या क्या दफा लगती है इस पर? इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुर्मती करना, लाश की बेहुर्मती करना. ठीक है. फिर उसके बाद हमने 376 लगाई है, ये जिना बिल जबर कि उसमें आती है. ठीक है. 297 जो इसके अंदर जो इंतहाई सजा है वो एक साल, यानी कि लाश की बेहुर्मती करने की एक साल सजा है सिर्फ. फिर आपने एक और इस पे लगाया अननेचुरल ऑफेंस. हाँ, ये 377 है कि जो इंसान की फितरत से हटके जो अमल हो वो अननेचुरल ऑफेंस होता है, और इसने इसी किस्म का अननेचुरल ऑफेंस जो है ये इसके साथ किया डेड बॉडी. फिर 354A लगा है. ये इफ़त में खलल है कि किसी भी डेड बॉडी, ख़वातीन खासकर, उनकी बेहरमती इसमें आ जाती है कि इफ़त में खलल उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज़ को, तो उसमें इफ़त में खलल में आ जाता है. तो DSP साहब, ये इस शख्स से अगर आप मुलाकात, बिल्कुल कराते हैं आपकी मुलाकात, बिल्कुल कराते हैं. मोहम्मद रियाज. क्या उम्र है? 27 साल. 27 साल. अच्छा. और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोधा. तो यहाँ कराची के कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? हाँ जी, मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए. क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ. कब्रों को पानी वानी? जी हाँ. मालिक, कितने अरसे हो गए? 16-17 साल हो गए. 16-17 साल हो गए जी. अच्छा. यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरखन था, मैं पानी डालता था. वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई कर देते. दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था. तुम भी उसके साथ होते थे? एक एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत. हाँ. तो मगरिब हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो. तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोदते थे, स्लेप हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में. स्लेप हटाया, स्लेप कब्र की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे फिर अंदर जाते थे. पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कब्र में, अंदर मुड़ देता लड़की होती थी. कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साथ हो गए. 48 खवातीन के साथ. अच्छा, आखिरी दफ़ा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे खोदे अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे ऐसे मैं निकला, तौबा माफ़ी मांगा. मैंने बोला इंदा के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा. तौबा मांगी जी हाँ अल्लाह से, खौफ गाया. मैंने बोला इंदा के बाद नहीं करूँगा. कैसे तुम, मैं मतलब किस तरह कैसे किया तुमने, किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस. क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफ़ी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम कह रहे हो? एहसास है. एहसास है जी हाँ, सांस है. और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है जी हाँ. सांस है. तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहन में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था. किसकी बातों में आके? वो लड़के की. वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया. कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है. किसके बाद? समझो जो 48 वाकई किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है. वो रोन जी चरस पी रहा था, रोनी में लगा. इस बात को समझो, हो गया 8 साल पहले की बात थी. 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा है. समझो करवाई 8 साल हो गए इस बात को, उसके बाद मरा था वो. उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो. 9 साल पहले मरा है वो. उसके बाद मरा. तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया. उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने. 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद. और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया हम लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई किया है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया फिर. नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की?
उसके बाद एक कार्रवाई की थी। हाँ बस एक सेकेंड आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना, तुमने कार्रवाई शुरू की उसके साथ शुरू की। उसके साथ शुरू की तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4। 2 साल हुए, 2 साल उसको, 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। चले 2-2.5 साल पहले मरा होगा, 2.5 साल हो गए थे, 2.5 साल हो गए वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। सच बोलो भाई, क्या कह रहे हो भाई, सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ ठीक है, जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 महीने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके शुरू समझो, ये वन जाते थे जैसे मैं दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो, हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साथ किया समझो दोनों ने मिलके। जी हाँ 48। ठीक है, वो मर गया, तुम लगे रहे? हाँ मैं करता रहा उसके बाद। तुम उसके बाद करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना। हाँ कितने हो गए ये समझो, 48 के साथ मैंने किया। उसके बाद फिर एक वाक्य मेरे साथ हुआ था, आखिरी जो आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा, आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कबर खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया कबर की तरफ से, अंदर गया पीछे स्लेब हटाया तो उसकी आँखों से रोशनाई हुई समझो, रोशनाई। उसके मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं, किया है काफ़ी किए मैंने, 4 किए थे। 4 की हैं या काफ़ी की हैं, कितनी की हैं सोचो, एक सेकंड ले लो सोचो और सोच के बोलो कितनी की हैं। सज़ा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफ़ा होनी है, चाहे एक की है या 48 की है या 60 की हैं, उसके मरने के बाद कितनी की हैं? शुरू कराने वाला तुम्हें कौन था ये काम? मैं गोरखा था, ओ वजीरा था, वजीरा था। जी हाँ। उसके साथ मिलके जो तुमने कार्रवाइयां की हैं, मिलके जो की हैं, हाँ मिलके 48 की हैं, मिलके जो 48 की हैं या 50 की हैं, वो क्लियर बताओ ना कि 48 की हैं 50 की हैं, उसके मरने के बाद जो तुमने की हैं, 2 की हैं, 4 की हैं, 10 की हैं, उसके मरने के बाद जो की हैं, अकेले जो की हैं, अकेले जो की हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आप बताओ मैडम। वो मैंने 2 की हैं। मैं नहीं मानती। नहीं 2 की हैं। मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल 2 की हैं। उसके बाद मैंने गलती और माफी तौबा की। मैं मानती ही नहीं हूं ये बकवास बात। नहीं मैं उसके बाद यकीन करना, मैं अल्लाह को भी हाजिर देना है और मौत देनी है, जिंदगी देनी है उसके बाद। अगर तुम्हें मौत देनी होती ना, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम्हें किस पल लिए परेशान हो, अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते, खुदा का खौफ करो, तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। शर्मिंदा हूँ मेरे से बहुत हो गया है, लेकिन शर्मिंदा हूँ हाजिर। क्या करें तुम्हारी शर्मिंदगी का, उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जवाब देना बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना अल्लाह को हाजिर ध्यान देने। 50 काफ़ी नहीं थी, और भी नहीं, करना चाहते थे तुम? नहीं अगर और मैं बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके बाद माफ़ी तौबा तुम्हारी, छोड़ दो माफ़ी तौबा, देखो माफ़ करने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसको माफ़ करता है, किसको पकड़ता है, इसमें हम नहीं बात कर सकते, ठीक है? हम तो इस वक्त इंसानियत पे बात करेंगे कि तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो? नहीं इंसान समझते, इंसान समझते हो जी। इंसानों वाली कौन सा काम किया तुमने? इंसानों वाला काम नहीं किया है, तो जानवर ही हुए ना तुम? जी हाँ जानवर, जानवर ही हुए ना तुम? तुम्हारी बहनें हैं? जी हाँ बहनें हैं। जिंदा है? जी। ठीक है, अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे उस आदमी के साथ? जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुर्मती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? सजा यही है कि बस अभी सजाए मौत भी हो सकता है, और अपने मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि गलती के मैं अपना सांस करता हूँ, उसमें है कि बहुत मेरा कुछ हो गया, शर्मिंदा भी हूँ और काफ़ी, और मेरे बहुत तौबा ही मांगता हूँ अल्लाह से, और बहुत दिन के बाद मैंने बस तौबा ही माफ़ी मांग ली कि इंदा के बाद इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा, जो हो गया हो गया, जो हो गया वो हो गया, अभी इंदा बाद कुछ भी मैं नहीं करूँगा। नहीं 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 नहीं, बस तौबा मांगता हूँ अल्लाह से और मदतर चाहता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ, जो हो गया बस हो गया इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तालीम वालीम ली है? कुछ भी नहीं है। कलमा आता? जी हाँ। नमाज पढ़ते हो? जी। कलमा पढ़ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि अभी बस सजा अपने मांगता हूँ, लेकिन यह है कि जो हो गया अभी हो गया। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा यही है कि अपने आप को समझो फांसी के लिए भी तैयार हूँ, इसके जो मेरे बहुत शर्मिंदा और इसके वजह से मैंने किया बहुत गलत किए, अल्लाह हाजिर और आज देना। अभी ये है कि तौबा ही मांगता अस्तगफुरुल्लाह ही करता हूँ, और गलती हो गई थी। गलती एक दफ़ा होती है,
गलती दो दफा होती है, गलती जिंदा इंसान के साथ हो सकती है। उसके बाद यकीन करना कुछ भी, मैंने दो दफा वाकई किया, उसके बाद मैंने कोई उसे वाकई अल्लाह से तौबा मांग ली। 50 से ज्यादा कार्रवाइयां डाल चुके हो और तुम कह रहे हो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। बातें कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो बातों से ही मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी है। नहीं शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी तो छोड़ो, तुम्हें तो मतलब है, तुम तो ये कहो कि तुम्हारे लिए ये डूब मरने का मुकाम होना चाहिए। आज तक तुमने दुनिया में कोई ऐसा वाकया सुनाया हुआ हो? नहीं। ये सबसे पहले कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ये वो कराने वाला वही था, उसकी वजह से मेरे से भी समझो आ गया, दिमाग में आ गया, पता नहीं चला एकदम, समझो शुरू मेरे से भी हो गया था। कभी अपना नफ्सियाती दिमाग का इलाज कराने का सोचा? नहीं। हाँ पागल जो नहीं हो, जाहिर सी बात है पागल तो नहीं हो ना? नहीं पागल, होश व हवास में किया ना? पता था क्या कर रहे हो? हाँ पता था, बस हाँ बिल्कुल पता था ना? मुझे पता, कब्र खोदना, स्लैब हटाना, खास तौर पर एक औरत की कब्र पर नजर रखना और जी टॉर्च लगाना। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारा, तुम्हारे अंदर दिल है, तुम अंदर कब्र के अंदर तुम घुसते कैसे थे? औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफन, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं, चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ जाता था कि ये औरत है। तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो कभी सोचें भी ना ये काम करने का जो तुमने किया। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तुम्हारी भाभियाँ हैं, तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है, और तुम बहनों वाले हो, मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर। बस गलती हो, माफ़ी हो गया, बहुत मातर जाता हूँ, उसके बाद जो हो गया हो गया, अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे कब्रिस्तान, इंशाल्लाह छोड़ देंगे उसके बाद कुछ भी। कब्रिस्तान क्या करोगे तुम? कब्रिस्तान का जाना छोड़ देंगे, तुम्हारा क्या, जिंदा छोड़ देंगे? जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें, मार देंगे, मेरे को कौन बचता थोड़ी। मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो? उसको माफ़ी कहेगा वो, बस अल्लाह माफ़ करे, बस वही बोल रहा हूँ। नहीं, और अपनी बहन का जब, अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, उनको किनको? तुम्हारी बहन। तुम्हारे घर में अगर ये वाकया हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते, कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसे कि उसको मार दो जान से, ख़त्म करो, क्यों हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ भी यही है कि सजा का ही है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सजा के लिए तैयार हैं। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें? जी हाँ। तुम्हारा दिल धड़का नहीं, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कब्र में उतर कर ये हरकत करना, तुम्हें मतलब है तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकेंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है मैंने, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, जिस कब्र के स्लैब में हटा रहा हूँ इस वक्त, इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा, इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया, वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो? कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? मैं बहुत मेर से हो गया, बुरा किया और मैंने बहुत एहसास मांगता हूँ और अल्लाह से भी तौबा मांगता हूँ, सजा के लिए भी तैयार हो गया, ऐसा क्यों किया मैंने, और अपना आपसे भी मातर जाता हूँ, जो मेरे से बहुत गलती हुई अल्लाह से, उनके साथ भी, उनसे भी तो माफ़ी, अल्लाह से, अल्लाह से माफ़ी मांगो ही मांगो, लेकिन मांगो माफ़ी उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से जिसके साथ तुमने ये किया। जी हाँ बिल्कुल। जिसको पाक करके घर वालों ने, एक उनका प्यारा चला गया, एक उनकी जवान बेटियां चली गई, उनको उन्होंने पाक करके कफन पहना के दिलों में पत्थर रखकर उनके भाई उनके वालिद उनको तदफीन करके कब्र में उतार के गए अल्लाह के सुपुर्द आखिरी आरामगाह पर, भी तुमने उनको ना छोड़ा। तुम इतने बेहिस आदमी हो कि तुमने उनको आखिरी आरामगाह पे भी तुमने उनको ना छोड़ा। मुझे पता है मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी मैं उनकी कब्र में जाती हूँ तो मेरा दिल लरज जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर हो, जानवर तुम आदमी हो ही नहीं, तुम जानवर हो।